वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवास पे टक्कर, और टक्कर में आज दिन है एग्जिट पोल का। अशोक भाई, इनका ऑल द बेस्ट तो यही है कि इनकी जरूरत पड़े सबको कि संजय निरुपम और सुधांशु त्रिवेदी दोनों इनके दरवाजे खड़े हो। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो चाहते ही ऐसा है, तभी तो इनकी दुकानदारी चलेगी। वो हर राज्य में जहाँ एक तीसरा फोर्स बनता है वो वही होता है। राजस्थान में भी हमने देखा जनता दल के साथ आठ लोग हुआ करते थे, वही ये दुकानदारी शब्द से मुझे 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 नहीं, ये दुकानदारी मत बोलिएगा सर, प्लीज, दुकानदारी शब्द नहीं सर। हमने आप सुपरमार्केट बोलते हो, सुपरमार्केट के लिए हमने जो योगदान दिया है देवेगौड़ा कुमारस्वामी ने, इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो डिबेट कर लेंगे सर, दुकानदारी शब्द नहीं सर। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मैंने कहा ना, आप कई शब्दों का चयन करते हैं। कई बार आपने भी कहा कि डीके शिवकुमार आए थे, मैंने तो नहीं बोला डीके शिवकुमार को बदनाम करने के लिए। क्या आपने सुपारी लेके रखी है दूसरे नेता की, कांग्रेस की, जो डीके शिवकुमार का नाम ओपन किया? ये तो मैंने नहीं कहा, आपने अपने विचार रखे, मुझे रखने दीजिए। अभी संजय भाई हमारे, निरुपम जी बड़े भाई है, मैंने ये नहीं कहा कि उनकी जानकारी कमज़ोर है। मैंने कहा कि रूरल एरिया में, आपने अभी कहा कि बेंगलोर में रोड शो हुआ लेकिन इतनी सीटें दिखाई दे रही है, तो शहर में बजरंग बली का नाम, मैंने आप पहले भी कहा था कि 30-32% युवा जो है उसे ना बजरंग से मतलब है, ना उसे किसी दूसरे चीज़ से मतलब है, उसको चाहिए करप्शन कम चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर चाहिए ताकि वो सुख शांति से जिए। बेंगलोर और कर्नाटक की पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन जो सुधांशु भी कह रहे थे कि भाई येदियुरप्पा हमारे इतने सालों से पुराने नेता हैं, उसी येदियुरप्पा को अलग पार्टी बनानी पड़ी, क्यों बनानी पड़ी? उन्हीं येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया? यदि उनकी उम्र ज़्यादा थी तो फिर अभी चुनाव में क्यों लड़ाया गया उनको? बार बार इतना सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया, तो ये हर राजनीतिक दल में ये होता है, और इस बार सबसे ज़्यादा विद्रोह बीजेपी को हुआ है। यदि बीजेपी का विद्रोह, यदि बीजेपी, यदि आपने कहा कि जो महाराष्ट्र कर्नाटका है उसमें या कोस्टल कर्नाटका में हम कभी इतना बुरा नहीं कर सकते, और अभी तो लगता नहीं कि इतना बुरा होगा, लेकिन यदि वहाँ बुरा हुआ, यदि रिजल्ट उसके एग्जिट पोल जैसे आ गए, तो समझ लीजिएगा जो ये विद्रोह हुआ बीजेपी का, इसने नैया डुबाई, ऐसे हम कह सकते हैं। जैसा हिमाचल में विद्रोहियों ने कांग्रेस को सत्ता में बिठाया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये ऐसी कई चीज़ें हैं। फिर सुधांशु जी ने ये भी कहा कि अभी तक वो देवगौड़ा जी के खिलाफ क्या क्या बोल रहे थे, फिर साथ हो जाते हैं। वो आप भी चौटाला जी के खिलाफ बहुत कुछ बोल गए थे हरियाणा में, आप भी साथ हो गए। राजनीति में अब नैतिकता रही कहाँ? राजनीति में तो सत्ता का समीकरण और आंकड़ों का गुना भाग होता है, जिसमें सब चल जाता है, वो तो फिर सब एक दूसरे को गले लगते हैं। तो आप आज किसी को सांप कहो, फिर किसी को सांप को गले लग जाओ, कुछ भी बताओ, हो सकता है राजनीति में, और हमने तो ये लगातार देखा है राज्य में। ठीक है, जवाब लेते हैं। देखिए, समय की पाबंदी है। सुधांशु, 40 सेकंड रिप्लाई, देन रामकृपाल जी। देखिए, मेरा कहना है कि मतदान अब समाप्त हो गया है, तो हम लोगों को आरोप प्रत्यारोप से बाहर आ जाना चाहिए, और एक यथार्थ की स्थिति कुल मिलाकर सारे पोल्स ऑफ पोल्स में जो दिखाई पड़ रही है वो दिख रही है कि भाजपा बेहतर कर रही है, परंतु कुल मिलाकर आपके में कांग्रेस आगे दिखाई जा रही है। तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 का जो पोल ऑफ पोल्स था, यदि वो आप निकाल के देख लें, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को उस समय 89 सीट्स दिखाई गई थी कुल मिलाकर, सारे पोल्स से मिलाकर, और कांग्रेस पार्टी को 105 सीटें दिखाई गई थी, और जनता दल को 28 से 30, और जेडीएस को 38 आई थी, भाजपा को 105 आई थी, और कांग्रेस को 79 आई थी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही था, कुछ पोल्स एक को दिखा रहे थे, कुछ इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस बार कांग्रेस कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी उसके खिलाफ लड़ रही, इस बार बीजेपी की सरकार है, तो उसका एक इंपैक्ट नजदीकी पे हो रहा है या डिस्टेंस पे हो रहा है, उसका एक इंपैक्ट पड़ सकता है। ओके, राम कृपाल जी, देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा था शुरू में, अगर कांग्रेस 113 का मैजिक फिगर नहीं क्रॉस कर पाई, तो ये तय जान लीजिए, जैसा तनवीर भाई ने कहा, उन्होंने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस ने अपना नुकसान किया है, उसका बीजेपी को फायदा मिला है, टोन आप बिल्कुल अच्छी तरह देख लीजिए, जो हालत 2018 पोल के बाद बीजेपी की थी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद भी वो नहीं बना पाई, वही इस बार भी होगा। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जी, समय यहां पे इजाजत से दे रहा, एक सेंटेंस, दोनों का वोट परसेंट आप क्या नहीं आया, मैंने जो सुना है जी कि एग्जैक्टली बराबर है, अगर बीजेपी आधे परसेंट का शायद फर्क आ रहा है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल तो 13 मई को आएगा, लेकिन एग्जिट पोल कांग्रेस को हल्की बढ़त, मामूली बढ़त जरूर दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है
कि हमें बढ़त मिलेगी, लेकिन सुपर कॉन्फिडेंट जेडीएस है, वो कहती है हर हाल में मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। फिलहाल इतना ही, गुड नाइट, नमस्कार।